हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ढेर सारा एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी है इवनिंग का टाइम और आज मेरे घर में पकौड़ों की पार्टी चलने वाली है, तो उसी की तैयारी में मैं काफी देर पहले से ही लगी हूँ। कई दिनों से दीपिका का फरमाइश है, मम्मी ठंडी आ गया, मिर्ची का पकौड़ा बना, तो वही मैं मिर्ची तो लाई थी। पिछले ब्लॉग में ही आप लोग देखे भी होंगे, मैं सब्जी जब सेट कर रही थी उसमें आपको मिर्ची दिखा भी होगा पकौड़ी वाली, तो बस उसी की तैयारी में मैं लगी हूँ। और मिर्ची के साथ साथ ही अभी आपको पीछे दिख रहा होगा हरा प्याज है, उसकी भी पकौड़ी मैं आप लोगों के साथ बना करके उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी, काफी टेस्टी लगती है। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप लोग मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। अभी ही कर दीजिए, फिर आप लोग भूल जाते हैं, तो अभी शुरुआत में वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बच्चों के साथ पकौड़ों की पार्टी मनाएंगे और इसके लिए मैं सारा तैयारी करते जा रही हूँ काफी देर से, क्योंकि फिर लग जाएगा टाइम। तो जो मैं मिर्ची के पकौड़े बनाऊंगी ना, वो स्टफ वाले बनाऊंगी, मतलब उसमें मसाले भरूंगी जिसके लिए आलू का मसाला तैयार होगा। तो ये आलू मैं पहले ही उबाल करके छिलका उतार करके रखी हूँ और जो प्याज, हरे प्याज की जो पकौड़ी बनेगी वो बनेगी चने की दाल के साथ, तो उसके लिए मैं चने का दाल भी वो दी थी सुबह ही और ये अच्छे से फूल चुका है और इसको मैं धो करके भी रख ली हूँ। और ये देखिए, ये रहा इसमें लहसुन बारीक कटा हुआ और बारीक कटा हुआ ही मिर्ची है, हरी मिर्ची और हरा धनिया है जो कि थोड़ा थोड़ा मुरझा गया है। और एक इधर प्लेट में जो लेंच बॉक्स की ढक्कन है उसमें हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, ये जाएगा जब दाल पीसूंगी उसमें डाल करके। और ये जो बारीक कटा हुआ है ये जाएगा जब हम आलू का मसाला तैयार करेंगे, स्टफिंग जो मिर्ची में भरने के लिए चाहिए उसमें। तो देखिए अभी मुझे ना एक काम और बाकी है करना है, वो है कि ये प्याज साफ करना है मुझे और साफ करके धो दिया है। ये देखिए गाइस, मिर्ची भी मैं धो करके रख दी थी ताकि इसका पानी निकल जाए अच्छे से और सब लोग इसी में हाजिर हैं किचन में। तड़का तड़का अभी पकौड़े की तैयारी चल रही है, फिर तड़का की भी तैयारी ये लोग शुरू कर रहे हैं। तड़का हमारे यहाँ बोलते चने की दाल जो बनाते हैं ना फ्राई वाला, उसको तड़का बोलते हैं गाँव में हमारे यहाँ। देखिये दीपिका कैसे कर रही है। तो गाइस, सबसे पहले मैं मिर्ची को काट करके रख ले रही हूँ क्योंकि, और इसको काट करके मुझे दिखाना भी है आपको। तो ये जो डंठल आपको दिख रहा है ना, उसको ऐसे ही रखना है क्योंकि आगे इसको जब हम बेसन में डिप करेंगे तो पकड़ने का भी काम आता है। और जो मार्केट में बनता है ठेली पे, वो इसी तरीके से बनता है डंठल रख करके। वो लोग तो इसके अंदर मसाला नहीं भरते हैं आलू का मसाला, बस ऐसे ही डायरेक्ट ही बना देते हैं। तो उससे अच्छा ना ये क्रिस्पी और एकदम स्वादिष्ट घर पर बनेगा, तो इसी तरीके से आप बना करके ट्राई कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसके अंदर का बीज निकाल दे रही हूँ, बीज से चीरा लगा करके और बीज निकाल दे रही हूँ क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो खाना पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से। अगर आपके घर में पसंद है और आप लोग खा सकते हैं, बीज के साथ ही खाते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मिर्ची तीखी नहीं होती है और पकौड़े के लिए यही मिर्ची होती है, इसी मिर्ची का पकौड़ा अच्छा बनता है। एक ही दाल है जो मैं पीसने जा रही हूँ, तो मिक्सी के जार में निकाली हूँ और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसी में डाल लेंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए दाल भी पीस चुका है और आपको दाल ज्यादा लग रहा है मगर इसमें से खाली प्याज की पकौड़ी नहीं बनेगी और मैं कढ़ी बनाऊंगी, इसीलिए चना ज्यादा भिगोई थी, तो उसके लिए भी इसमें से निकालना है अभी। और ये हमारा हरा प्याज भी कट चुका है और ये मिर्ची भी हो चुका है साफ, एकदम कट छट करके तैयार हो चुका है। डंठल सारा रखना है, डंठल नहीं फेंकना है। और ये मिर्ची तीखी नहीं होती है तो आप डरिए मत कि खाने में तीखा लगेगा। और थोड़ा सा इधर किचन भी गंदा हो गया, वो भी मैं साफ कर ले रही हूँ, तो फिर ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं मिर्ची में भरने के लिए मसाला ही तैयार कर लेती हूँ। तो कढ़ाई मेरा गर्म हो गया, उसमें मैं डाली हूँ सरसों का तेल और आधी चम्मच जीरा और उसी में कटा हुआ अदरक और कटी हुई लहसुन डाल दूंगी। और जैसे ही अदरक लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हरी मिर्च कटी हुई डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा ही गर्म मसाले का पाउडर डाल करके, और फिर उबला हुआ आलू जो मैं थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बारीक तोड़ करके रखी हूँ, ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे, वो डाल दूँगी। और इसके बाद ही मैं डाल दूँगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और उसके बाद ही डाल लेना है हरी
धनिया के पत्ती होती है कटी हुई, वो डाल देंगे हम। और फिर इसमें अभी और भी मसाले डालेंगे, जैसे कि मैं इसमें डालूंगी अभी जीरा और काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैं हमेशा किचन में दोनों मिक्स करके और पीस करके रख देती हूँ, वो डाल दूंगी। और थोड़ी सी काली जो कलौंजी होती है वो, और अजवाइन, इन सबको डाल करके और अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। और फिर इसको हम निकाल देंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो हमारा स्टफिंग भी बन करके तैयार हो चुका है। तो फिर बाकी की आगे की जो प्रोसेस है वो भी करते रहना है, क्योंकि ढेर सारियाँ पकौड़ी बनी थी मेरे घर में। तो जब भी पकौड़ियाँ जब बनती है ना, तो इसी तरीके से ज़्यादा ही बनती है, कई तरीके का ही। जो हरे प्याज की पकौड़ी बनाएंगे उसके लिए हम दाल इसमें से निकाल कर अलग रख ले रहे हैं, और पहले जो कढ़ी बनाऊंगी उसके लिए पकौड़ियाँ मुझे तलना है, वो भी तल ले रही हूँ। तो दाल अलग कर देना है। अभी जो पेस्ट है चने की दाल की, उसको मैं अलग अलग 2 हिस्सों में कर ली हूँ। तो अभी मुझे कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ियाँ बनानी है, तो उसमें 2 हरी मिर्च काट करके डाली हूँ, और स्वाद के अनुसार नमक, और बस थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालना है और कुछ भी नहीं। और इन सबको अच्छे से फेंट लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम पकौड़ियाँ तल लेंगे कढ़ी में डालने के लिए। और कढ़ी वैसे ही बनेगी जिस तरीके से हम बेसन की कढ़ी बनाते हैं, उसी तरीके से बनेगी। और अभी मैं इसी तरीके से सारी पकौड़ियाँ तल लूँगी, मतलब डाल दे रही हूँ कढ़ाई में तलने के लिए। और इसको पलट उलट करके अच्छे से सेकना है, और ये काफ़ी अच्छी बनती है। इसको आप चाहें इस पकौड़ी को तो चाय के साथ, मतलब इवनिंग स्नैक्स में भी, जब भी आपका कुछ खाने का मन करे ना, तो दाल भिगोइए और झटपट पीस करके बना लीजिए। इतनी टेस्टी लगती है ना कि एक बार आप बना करके खाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और मैं निकाली ही थी, और मेरे बच्चे लेकर के देखिए कमरे में बैठ गए हैं खाने के लिए। मैं इन लोगों को मना भी कर रही थी कि कढ़ी में डालना है, फिर भी ये लोग एक एक पीस खा लिए थे। तसल्ली नहीं हो रहा था, पकौड़ियाँ जब बनती है तो ऐसे ही होता है। और जो एक घानी थी वो बन चुका था, और दूसरी घानी, मतलब 2 घानी बना था, ये ज़्यादा मैं नहीं बनाई थी। और इधर मैं कढ़ी भी चढ़ा दी हूँ, दोनों तरफ मेरा मतलब चूल्हा जल रहा है, दोनों तरफ काम भी हो रहा है। तो कढ़ी बस वैसे ही बनेगा, जो चने की दाल की जो पेस्ट है ना, उसको हम घोल बना रहेंगे, जैसे हम मसाला डालते हैं कढ़ी में उसी तरीके से, बस सेम ही है तरीका, और कुछ भी नहीं। पकौड़ी बनानी है हरे प्याज की, उसकी तैयारी करने, इसमें क्या खास ध्यान रखना है कि जब हमें बनाना है ना पकौड़ियाँ प्याज वाली, तभी हम इसमें नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे, नहीं तो हरी चीजें पानी छोड़ देगा, फिर पकौड़ी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो अभी इसमें मैं दाल मिक्स कर दे रही हूँ, ये वाली पकौड़ी निकलेगी उसके बाद ही मैं डाल दूंगी इसमें कढ़ाई में। तो पहले इसमें दाल डालेंगे, इसमें हल्दी का पाउडर, जीरे का पाउडर, मिर्ची पाउडर बस थोड़ा सा डाल देंगे, और थोड़ा सा इतना सा धनिया का पाउडर, और फिर स्वाद के अनुसार नमक। नमक कम डालेंगे क्योंकि साग वाली प्याज है ना, इसी वजह से। और हरा धनिया डाल करके मिक्स कर लेंगे, और हरा धनिया रखना है। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे इसी में, और इसको मिक्स करके मत रखिएगा, बस इसी बात का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी पकौड़ी ना अच्छे से नहीं बनेगी। इस तरीके से ऐसे डालेंगे टिक्की जैसा, ऐसे लेकर के हाथ में थोड़ा ऐसे दबा करके तब डालेंगे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से पक जाए। इस तरीके से डालेंगे, खाना बनाते समय छोटे छोटे टिप्स को ध्यान देना पड़ता है, तभी खाना सही से बन पाता है। तो अभी मैं प्याज की पकौड़ियाँ सेकने के लिए डाल दे रही हूँ। तो डालने के बाद ना 1-2 मिनट इसको ऐसे ही सिकने देंगे एक तरफ से, उसके बाद पलट करके इसको सेकेंगे। और जिस तरीके से हम बाकी की पकौड़ियाँ तलते हैं ना अच्छे से क्रिस्पी होने तक, उसी तरीके से इसको भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक तलेंगे, और उसके बाद निकाल लेंगे। और इसी तरीके से बाकी की सारी पकौड़ियों को हम तल लेंगे, और हमारा क्रिस्पी सुपर बन करके। पकौड़ियों के साथ खाने के लिए चटनी बना ले रही हूँ, जिसके लिए लहसुन छील ली हूँ, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और हरी मिर्च है 6 पीस हरी मिर्च है, और ये हरा धनिया जिसको धो ली हूँ, और 3 टमाटर, इन सबका चटनी पीस लेना है। अब
तो सबको पहले इसी में डायरेक्ट मैं काट ले रही हूँ मिक्सी के जार में ही। ऐसे ही काफी ज्यादा बर्तन गंदा हो रहा है आज, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी में काट ले रही हूँ। स्वाद के अनुसार चटनी में नमक और एक नींबू कटा हुआ उसका रस डाल दे रही हूँ। बीज निकाल ली हूँ। नींबू से क्या होता है ना, जैसे हम चटनी रखते हैं हरे धनिये की पीस करके तो काला पड़ जाता है, तो नींबू डालने से बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। चाहे आप इसको हफ्ता दिन 10 दिन रखिए। अब इसको पीस लेंगे। बनाए थे वो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, भरने के लिए तैयार है। और बाकी की भी हमारी पकौड़ियाँ बन गई हैं, तो इसको हम भर लेंगे। मगर भरने से पहले नमक टेस्ट कर लीजिएगा। तो अब इसको भरना कैसे है ये भी देख लीजिए। ऐसे करके और इस तरीके से हम भर लेंगे इसमें अच्छे से। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बस चटाएंगे। और ये ना बाहर जब जो आप ठेले पे खाते हैं उससे काफी स्वादिष्ट बनता है, तो जब घर पे ही अच्छे से बन जाए तो घर ही पे बना करके और ट्राई कीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसको भर लेंगे। ये देखिए सारा मिर्ची भर करके तैयार हो गया है और इतना स्टफिंग हमारा बच गया है। तो इसको आप फेंकेंगे नहीं, मतलब चाहे तो आप पराठा बना सकते हैं या सैंडविच बना सकते हैं। तो खाया। और ये रहा कटा हुआ हरा धनिया और ये बेसन का जो घोल बनाई थी मैं वो है। इसमें बस हल्दी का पाउडर और नमक पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं इसको ना और थोड़ा पतला करूंगी क्योंकि ज्यादा गाढ़ा भी हो गया है। और इसमें अब डाल देना है जीरे का पाउडर। ये देखिए जीरे का पाउडर इसमें है। धनिया कटा हुआ और इसी में थोड़ा सा खाने वाला हम सोडा डालेंगे ताकि इसकी जो ऊपर क्लियर है ना वो क्रंची बने। बस आधा चम्मच ही खाने वाला सोडा डाल देना है और थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और इसका पेस्ट ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे, बस इतना गाढ़ा हो कि मिर्ची के ऊपर अच्छे से एक लेयर हो जाना चाहिए। और अभी देखिए पकौड़ियाँ तलते तलते मेरा सिलेंडर एक खत्म हो गया था जिसमें लगा हुआ था वो, तो वही मैं अभी लगा रही हूँ। और बच्चे मेरे मतलब डर भी गए थे कि मम्मी अब पकौड़ी कैसे बनेगा, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि मुझे सिलेंडर अब लगाने आ गया है, क्योंकि पहले मुझे आता नहीं था। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी नहीं आता है ना, जैसे हाउसवाइफ हैं जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता है, तो हमें सीख लेना चाहिए कि कब ज़रूरत पड़ जाए कौन सी चीज़ का, वो तो हमें भी नहीं पता होता है ना। तो गाइस अभी हम लोग इसलिए हंस रहे हैं कि पकौड़ी तलते तलते गैस खत्म हो गया था और बच्चों को लग रहा था कि मुझे सिलेंडर लगाने आता नहीं है क्योंकि पहले मुझे नहीं आता था और अब मुझे आ गया है क्योंकि सीखना जरूरी होता है। हम औरतों को भी हर काम, अगर सिलेंडर खत्म हो जाए तो कब तक हस्बैंड का इंतजार करते रहेंगे। इसलिए मैं सीख गई हूँ सिलेंडर लगाने की और सिलेंडर लग चुका ऑलरेडी और मैं गैस भी चालू कर दी हूँ। इधर कढ़ाई और तेल दोनों गर्म हो रहा है। बेसन को इतना गाढ़ा रखेंगे कि मिर्ची के ऊपर ना ये अच्छे से चढ़े, देखिए इस तरीके से। और तेल एकदम गर्म है जिस तरीके का हमें चाहिए, तो बस इसमें से निकालते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे और एक एक करके ही मिर्ची को हम डुबाएंगे, नहीं तो एक ही बार अगर सारा करेंगे तो नहीं अच्छे से हो पाएगा। ये देखिए इस तरीके से सब लोग लगे हुए हैं, सिर्फ मैं ही नहीं बना रही, सब लोग लगे हुए हैं। कोई खाने का इंतजार कर रहा है, कोई बनने का इंतजार कर रहा है। बस अब हमें देखा देखिए गाइस कितना कुरकुरी बनी है, हरे प्याज की कचौड़ी, वो भी चने की दाल है और एकदम टेस्टी है। वैसे तो स्वाद आपको अभी पता नहीं चलेगा जब तक बनाकर नहीं खाइएगा तब तक, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा एकदम। ये देखिए और अभी हमारा माँ बेटे का डांस चल रहा है किचन में। मैं आपसे बता दूं जब तक मैं खाना बनाते रहती हूँ तब तक तीनों मेरे बच्चे बाय चांस अधिकतर ये लोग किचन में रहते हैं, हम लोगों का नौटंकी चलते ही रहता है, इसी तरीके से इंजॉय करते रहते हैं हम लोग और मेरा खाना भी बनते रहता है। और इधर पकौड़ियाँ मिर्ची वाली भी बन करके तैयार हो चुकी है। हमारी पकौड़ियों का थाली लग चुका है। ये हरी चटनी जो मैं बनाई थी और ये रेडीमेड सॉस है जो टमाटो केचप का है और ये प्याज की पकौड़ी जो की है
एकदम क्रिस्पी करारी, और ये हरी मिर्च वाली जिसमें अच्छे से एकदम स्टफिंग भरा हुआ है मसाला आलू का, ये देखिए गर्मा गर्म। ठंडी में तो गर्मा गर्म पकौड़ी खाने का मजा ही अलग होता है।